आज दीदी से मिलने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ नया जाना है रघुकुल के विषय में। बचपन में मैंने सिर्फ कथाएं सुनी थी, पर कभी ये ज्ञात नहीं था कि एक दिन संबंध भी जुड़ जाएगा। रघुकुल के बारे में कौन सी कथाएं सुनी है आपने? आपके पूर्वजों की कथा। कौशल देश के राजा इक्ष्वाकु के वंशज की कथा, जिसमें महानता की पराकाष्ठा के कई उदाहरण मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वंश जितना अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने वचन पालन के लिए। वचन पालन के लिए इस वंश ने बारंबार कभी अपने प्राण त्यागने से भी संकोच नहीं किया। राजऋषि जनक को बहुत कुछ किया था। आज जब आपने हमारे पूर्वजों की बात की है, तो आपको बताता हूं कि रघुकुल किन स्तंभों पे टिका है। क्या देख रहे हो राम? अपने पूर्वज की छवि, राजा हरिश्चंद्र। क्या जानते हो उनके बारे में? राजा हरिश्चंद्र के लिए वचन पालन से बढ़कर और कोई बड़ा धर्म नहीं था। एक बार महर्षि विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने उनके पास आए और कहा कि राजन, कल आपने मेरे स्वप्न में आकर मुझे अपना राज्य देने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी प्रश्न, विरोध या संदेह के समस्त राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न की बात थी, राजा हरिश्चंद्र चाहते तो उसे स्वीकार करने से मना कर सकते थे। इक्ष्वाकु वंश में वचन पालन की प्रथा रही है गुरुदेव, भले ही वो स्वप्न में क्यों ना दिया गया। इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठा का पहला स्तंभ है वचन पालन, जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट दे दिया। महर्षि विश्वामित्र ने यह भी कहा कि दान के साथ दक्षिणा भी आवश्यक है, किंतु राजा हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो श्रम करेंगे और उससे प्राप्त होने वाली आय से ही वो महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देंगे। इसी उद्देश्य से वो काशी पहुंचे। एक भूतपूर्व राजा को कोई भी अपना दास नहीं बनाना चाहता। राजा हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी और पुत्र रोहिताश्व एक दास के रूप में दे दिए, पर उस ब्राह्मण से प्राप्त मूल्य भी महर्षि विश्वामित्र की दक्षिणा के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः एक चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपने सहायक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। कुछ समय ही बीता था कि एक सर्प के डसने से राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पुत्र के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान पहुंची दाह संस्कार के लिए, पर उनके पास चंडाल का शुल्क चुकाने के लिए कुछ नहीं था। राजा हरिश्चंद्र उन्हें पहचान गए थे, फिर भी बिना शुल्क लिए अपने पुत्र का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पूर्वज निर्दयी, बहुत क्रूर थे? वो केवल अपने धर्म का पालन कर रहे थे। उनका धर्म था शुल्क लेकर चंडाल को देना। यदि वो अपनी पत्नी से शुल्क नहीं लेते तो वो न केवल उस चंडाल से छल करते, बल्कि अन्य सभी निर्धनों से भी पक्षपात करते जो वहां दाह संस्कार के लिए आते थे। मेरे अनुसार ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन करना क्रूरता नहीं, श्रेष्ठता का प्रमाण है गुरुदेव। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वधर्म का पालन करते रहना, ये इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठा का दूसरा स्तंभ है राम। पर क्या केवल राजा हरिश्चंद्र द्वारा धर्म के पालन से उनकी महानता संभव हो जाती? क्या यह उनकी पत्नी की महानता नहीं कि उन्होंने अपने पति के धर्म पालन का सम्मान किया और जो वस्त्र धारण किए थे वो अपने पुत्र की अंत्येष्टि हेतु शुल्क स्वरूप देने की बात की? ये देखकर वहां देवता प्रकट हुए और उन्हें इस सत्य से अवगत कराया कि वो केवल उनकी परीक्षा ले रहे थे।
महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अपना राज्य लौटा दिया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को भी पुनर्जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें स्वर्ग में स्थान देना चाहा। पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि उन्हें स्वर्ग का स्थान तभी स्वीकार्य होगा जब उनके साथ साथ समस्त प्रजा को भी मोक्ष प्राप्त हो। यही है तीसरा स्तंभ, राजधर्म। किंतु देवताओं ने उनकी प्रजा को स्वर्ग में स्थान देने की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म स्वर्ग या नर्क निर्धारित करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि उन्होंने इस जीवन में जितने भी पुण्य किए हों वो सारे अपनी प्रजा के लिए उपयोग कर वो स्वयं नर्क जाना स्वीकार कर लेंगे। यही है चौथा स्तंभ, त्याग। वचन पालन, स्वधर्म, राजधर्म और त्याग, इन चारों में से यदि एक भी स्तंभ गिरा तो रघुकुल का पतन हो जाएगा। मैंने हमेशा स्वयं जनक की पुत्री होने के लिए सौभाग्यशाली माना, पर आज मुझे अपने सौभाग्य पे गर्व हो रहा है कि मैं रघुकुल की वधू। सीते, सौभाग्य हमारा भी। विभीषण, अमृत तो प्राप्त हो गया, अब इसे किस प्रकार से लंकेश को दिया जाए? नहीं भाभी, यदि भ्राता रावण को ज्ञात हो गया कि उन्होंने अमृत पान कर लिया है तो वे और निरंकुश हो जाएंगे, उनका अधर्म और अन्याय और अधिक बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे लंकेश को ये ज्ञात ही ना हो कि उन्होंने अमृत पान किया है? उन्हें अचेत करने का प्रबंध करना होगा, और जब वे अचेत हो जाए तब ये अमृत उनके नाभि में स्थापित कर दिया जाएगा, और इस बात का आभास भी नहीं हो पाएगा। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी मंदोदरी कहाँ है? महाराज, महारानी मंदोदरी के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। मूर्ख, कहाँ रहती हो तुम सब दिन भर? ऐसे रखती हो ध्यान अपनी महारानी का? जाओ, जाओ और पता करो महारानी कहाँ है। स्वामी, मैं यहां। मंदोदरी, कहां थी आप? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से फूलों की ये सुगंधित माला बनाई। मैं पुष्प वाटिका में इन्हीं फूलों को चुनने के लिए गई थी। दासियों, तुम सब बाहर जाओ। स्वामी, क्या आप मेरा ये उपहार स्वीकार करेंगे? अवश्य मंदोदरी। विश्राम कीजिए। आओ मंदोदरी।
क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी भलाई और अपने सुहाग की रक्षा के लिए ऐसा किया।